वैसे आपने तो जिंदगी में माशाल्लाह कुछ भी नहीं किया। सर मैं थर्ड ग्रेड में स्विमिंग कंपटीशन में थर्ड आया था। माय ओनली विक्ट्री सर। वैसे नॉट दैट आई गिव अ शिट, मगर बताओ अपने बारे में कुछ। आप सुन तो रहे नहीं हैं, ताड़ने में ज्यादा मसरूफ हैं, बट आई विल स्टार्ट विद माय बुलशिट। देखिए वैसे तो सब मुझे एक नंबर का चूतिया समझते हैं, बट नॉट माय लेफ्ट हैंड। सर मैंने जिंदगी में जो भी सीखा पापा से सीखा, और पापा ने कहा था बेटा आज अच्छे से चाट के आना। ओ अच्छा, तुम इनके लिए से हो। यशद साहब हमारी 40 साल से चाट रहे हैं। So I have nothing better to ask you. I'll ask you some more cliche questions and cliche questions. सर मैं सारे सवाल रट के आया था, लेकिन आपकी इंग्लिश ने तो। So where do you see yourself in 5 years? सर 14 साल आप ही का नौकर बनने के लिए तो पढ़ाई की है मैंने, और 5 साल बाद भी आप ही का नौकर हूँगा मैं। हस्बैंड ने काम थोड़ी करने दे रहे हैं, बस ये खेल रहे घर पे बैठ के मुझे इतना काम। Qualifications? कल एग्जैक्ट से ढेर सारी डिग्रियां बना के लाया हूँ। आज आपको मार्केटिंग में चूतिया बना रहा हूँ, कल इंजीनियरिंग वालों को, और परसों एक लॉ फर्म में भी इंटरव्यू है। And one of beauty competition, जिसकी वजह से शायद आप जॉब देंगे, right? Your last job. ओ सर भी थी नहीं, झूठा दे दली। उन्हें पता चल गया था मेरी शादी हो रही है, and that's all of the deal breaker. आपके फजूल सवालों के बारे में। लड़कियों की सैलरी तो लड़कों से कम ही होगी, right? क्या आपके ऑफिस में लेडीज काम करती हैं? मुझे जॉब मिल जाएगी ना सर? जॉब तो हम सिर्फ सिफारिशों को देते हैं, बट थैंक यू फॉर वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन। अगला पीएचडी की डिग्री बना के आऊंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी शादियां जल्दी होती हैं। कीड़े पड़े तुझ पर कुत्ते। सर छत का रास्ता ही बता दें, छलांग मारनी है।